क्या भिंडरा वाले को संत मानते हैं राकेश टिकैत? खालिस्तानी पर टिप्पणी कर फंस गए किसान नेता। दरअसल किसान आंदोलन का सिलसिला पिछले एक साल से चल रहा है, लेकिन इसके समाधान की किरण कहीं नजर नहीं आ रही। इसके उलट इसे लेकर तरह तरह के पहलू सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए इसका समाधान तो दूर बल्कि इतने सारे नए विवाद पैदा हो जा रहे हैं कि सरकार के सामने नई नई चुनौतियां हैं। अब इसी कड़ी में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मीडिया के सामने भिंडरावाला के बारे में कुछ ऐसा कह दिया कि हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले टिकैत ने सुर्खियों के बाजार को एक बार फिर से हरा कर दिया है। सबसे पहले तो आप टिकैत के बयान सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से टिकैत के इस बयान पर जनता उनकी क्लास लगा रही है। जैसे कि बताया जा रहा है कि आतंकवादियों का मतलब जैसे खालिस्तानी आतंकवादी के नारे लगाए गए मीडिया में आ रहा है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? वो प्रक्रिया होगी क्या है, वहाँ पे कोई नारे इस तरह के नहीं लगे, ना वहाँ पे किसी की दूसरे की मीटिंग हो रही थी, ठीक है, उसका कोई सवाल ही नहीं है। वहाँ पे जो घटनाक्रम हुआ, तीन गाड़ियों से वहाँ पे उनको कुचलने का काम करा गया, वहाँ नारे किसके लग रहे थे, वहाँ तो किसी के लोगों को बचाने का अपना रास्ता नहीं था। वीडियो में दिखा रहे हैं तीन मार्गी आतंकवादी है, उपद्रवी है, खालिस्तान के किसी बच्चे की वो शर्ट है, ठीक है जी, वो चलो टी शर्ट बच्चे की एक टी शर्ट है, उस टी शर्ट पे किसी का फोटो है, फोटो भिंडरावाले का। कुछ लोग उसको संत मानते हैं और सरकार की नजरों में उसको आतंकवादी मानते हैं। दरअसल लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद कई ऐसी वीडियो सामने आई थी जिनमें खालिस्तानी समर्थकों को साफ देखा जा सकता था। एक सिख को भिंडरावाले की तस्वीर लगी टी शर्ट पहने हुए भी साफ देखा जा सकता था। बस इसी के बाद ये चर्चाएं गर्म हो गई कि क्या लखीमपुर खीरी में खालिस्तानियों का समर्थन था, क्या खालिस्तानी इसे फंडिंग कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से राकेश टिकैत ने बयान दिया उसके बाद ये साफ हो गया है कि राकेश टिकैत भिंडरावाला के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन आपको देखना चाहिए कि राकेश टिकैत के इस बयान पर जनता कैसे उन्हें आईना दिखाने में लगी है। लोग टिकैत की जमकर क्लास लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जीतराम भारद्वाज लिखते हैं, आप आतंकवादी भिंडरावाला को क्या मानते हैं? एक आतंकवादी किसके लिए संत हो सकता है? कृपया शैतान को संत की संज्ञा न दे। सुधीर अवस्थी लिखते हैं, आप तो तथाकथित किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तान और कांग्रेस का राकेश टिकैत से संबंध समझने में देर नहीं लगना चाहिए, खालिस्तान बनाने के पीछे कांग्रेस का ही षड्यंत्र था। पंकज कुमार कहते हैं, अब भी समझ आया या फिर पूरे देश को जलते देखोगे तब मानोगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भिंडरावाला को लेकर जनता की क्या राय है और राकेश टिकैत ने किस तरह से उन्हें संत बताया। आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।